प्यारे बच्चों, हमने राष्ट्रीय पशु बाघ के बारे में एक पेज की रीडिंग की थी। ये हमारा नया है पाठ, जो है पाठ 8। ये टर्म 2 में अब आपका जो नया सिलेबस है P2 मतलब पीरियोडिक 2 का और टर्म 2 का नया सिलेबस पाठ 8 से स्टार्ट होगा। तो हम पाठ पढ़ रहे थे, हमने पाठ की रीडिंग यहाँ तक लगाई थी और आपको मैंने बाघ का चित्र दिखाया था और बाघ के बारे में मैंने आपको बताया था। बच्चों, जिनके पास में बुक नहीं है वो मेरी वीडियो देख के आराम से लेसन के रीडिंग कर सकते हैं। मैं लेसन पे स्टार्टिंग से आप देखते जाइए, मैं वीडियो को स्टॉप करती जाऊंगी। वैसे बेटा, टर्म 2 स्टार्ट हो गया है। अब मुझे लगता है कि आप सारे बच्चों को बुक परचेज कर लेना चाहिए, क्योंकि बुक के बिना बहुत परेशानी होती है। आपने टेस्ट में भी देखा होगा, जिन बच्चों के पास बुक नहीं थी मुझको बुक रीडिंग कराने में प्रॉब्लम आई थी, है ना। चलिए, नर बाघ के सिर से पूंछ तक लंबाई 270 से 310 सेंटीमीटर। देखो, नर का मतलब मेल है ना, जो पुरुष वाला बाघ होता है उसके सिर से पूंछ तक की लंबाई। देखो, बाघ की लंबाई जो होती है वो हम सिर से पूंछ तक, यहाँ से लेके तो यहाँ तक, ये इसका सिर है और ये इसकी पूंछ है, यहाँ तक इसकी लंबाई नापते हैं। तो देखिए, इसकी लंबाई 270 से 310 सेंटीमीटर तथा मादा बाघ मतलब फीमेल बाघ की लंबाई 240 से 265 सेंटीमीटर होती है। नर बाघ का औसत वजन मतलब एवरेज, वजन का मतलब वेट है ना, 221.2 किलोग्राम तथा मादा का 139.7 किलोग्राम होता है। मतलब एक बाघ का वजन 221 किलो होता है तथा मादा बाघ का वजन 139 मतलब 139 किलोग्राम होता है। बाघ सिंह की तरह सदा अपने परिवार के साथ नहीं रहते। देखो, जो शेर का परिवार होता है वो हमेशा साथ में रहता है, लेकिन बाघ का परिवार सदा अपने परिवार के साथ नहीं रहते। बाघ के बच्चे अपने जन्म से लेकर 18 महीने तक अपनी माँ के साथ रहते हैं, फिर वे स्वतंत्र रूप से जीवन जीने लगते हैं। स्वतंत्र रूप से जीवन मतलब वो सब अपने माँ बाप से अलग हो जाते हैं तथा अपना अलग इलाका बनाने लगते हैं। बाघ के बच्चे 5 साल में वयस्क हो जाते हैं। वयस्क का मतलब मैच्योर हो जाते हैं बाघ के बच्चे। ये मांसाहारी जीव है तथा मुख्यतः चीतल, सांबर, हिरण, गौर, बारासिंगा, नील गाय, लंगूर, जंगली भैंसे आदि का शिकार करते हैं। इनका खाना क्या है? चीतल, सांबर, हिरण, गौर, बारासिंगा, नील गाय, लंगूर, जंगली भैंसे आदि का शिकार करते हैं। ये कभी कभी अपने इलाके में घुस आए पालतू जानवरों का भी शिकार कर लेते हैं। पालतू जानवरों में जैसे कुत्ता, बिल्ली, बकरी, गाय है ना, इनका भी शिकार कर लेते हैं। ये खुद घायल होने, बहुत कमजोर तथा बूढ़े होने या शिकार की कमी होने पर मनुष्य पर भी हमला कर देते हैं। पहले तो ये जानवरों का शिकार करते हैं, लेकिन जब ये घायल हो जाते हैं या बूढ़े हो जाते हैं या बहुत कमजोर हो जाते हैं, तब ये, या इनको कभी शिकार नहीं मिलता है, ये भूखे होते हैं, तो ये मनुष्य पर भी, इंसानों पर भी हमला कर देते हैं तथा आदमखोर बन जाते हैं। आदमखोर का मतलब क्या होता है? मनुष्य को खाने वाला जानवर। वो जानवर जो मनुष्य का शिकार करता है उसको आदमखोर जानवर कहा जाता है। वर्तमान समय में इनकी संख्या काफी कम रह गई है तथा ये विनाश के कगार पर पहुंच गए। विनाश के कगार पर मतलब
अभी ज्यादा नहीं है, इनकी समाप्ति होने वाली है। इनकी ऐसी स्थिति का प्रमुख कारण मनुष्य है। इनको जो इनकी जाति कम हो रही है या ये संख्या इनकी कम हो गई है, किसके कारण से हो गई है? मनुष्यों के कारण से। और मनुष्यों के कारण से क्यों हो गई है? मनुष्य मनोरंजन, सजावट तथा दवाओं के नाम पर इनका अवैध शिकार करता जा रहा है। बाघ की खाल सजावट के काम आती है। लोग बाघ के मतलब अपने ड्राइंग रूम को सजाने के लिए बाघ की खाल, जो उसकी स्किन होती है, उसको सजाते हैं, लेकिन उसके लिए बाघ का शिकार करना पड़ता है, तो ये बहुत गलत बात है। इसकी हड्डियों तथा शरीर के विभिन्न अंगों का इस्तेमाल अनेक दवाओं के निर्माण में किया जाता है। जो बाघ की हड्डियाँ होती हैं और शरीर के जो अंग होते हैं, जैसे बाघ के नाखून होते हैं, बाघ के स्किन होती है, बाघ का मांस, बाघ की हड्डी और भी इसके शरीर के जो पार्ट्स होते हैं, वो किस काम में आते हैं? दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। तो इनको बचाने का एक प्रमुख कारण ये है कि शिकार करने पर रोक लगाई जाए, नहीं तो इनकी जाति खत्म हो जाएगी और हम बाघ को देखने को भी तरस जाएंगे। तो बच्चों, आज हमने पाठ यहाँ तक पढ़ा। ये पाठ बहुत बड़ा था, अब इतना सा बचा है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे और फिर बुक की एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन आप इस पाठ के कठिन शब्द और पाठ पढ़ने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। धन्यवाद।